हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फारूक रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज सबसे पहले एक बात आप लोगों से करनी थी, वो ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे सॉन्ग्स पर रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा, उड़िया सॉन्ग्स पर और संबलपुर या दूसरे जिन भी सॉन्ग्स पर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं उन पर सॉन्ग क्यों नहीं, अब मैं वीडियो बना रहा क्यों नहीं बना रहा। तो ये कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं अब सॉन्ग्स पर वीडियोस नहीं बनाऊँगा। तो अगर आप लोग कोई अदर्स वीडियोस जो हैं वो सजेस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन। मैंने खुद ही इसका बंद कर दिया था इसी वजह से कि आप लोगों की रिक्वेस्टें आएंगी और मैं फिर उस पर वीडियो नहीं बना सकूंगा तो आप लोग खफा हो जाएंगे, ठीक है, कि मैं झूठ बोलता वीडियो नहीं बना रहा। तो लास्ट जो वीडियोस अभी पड़ी हुई हैं जिन पे मैंने रिएक्शन किया वो भी आने वाले वक्त में मैं डिलीट कर दूंगा अपने चैनल से। तो अगर आप लोग मुझे फिर भी चैनल देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप उसके अलावा कोई और वीडियोस नहीं देखना चाहते तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, ठीक है। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मैं अब किसी भी सॉन्ग्स पर रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब इन्हीं वीडियोस पे रिएक्शन आएंगे, यूट्यूब अदर वीडियोस पर, ब्लॉग्स पर या कॉमेडी वीडियोस पर या दूसरी टाइप की सॉन्ग से हटकर हर किस्म की वीडियो पर रिएक्शन आ सकता है, ठीक है। तो वो आप अगर हमें सजेस्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर दूंगा वीडियोस के। तो अभी यही डन हुआ है कि आप अदर्स वीडियोस पे आया करेंगी वीडियोस, जो सॉन्ग्स हैं वो किसी भी किस्म का किसी सॉन्ग पे कोई भी वीडियोस नहीं आने वाली। तो जो लोग सॉन्ग्स देखने के लिए सब्सक्राइब किया था इस चैनल को तो वो अनसब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपकी मोहब्बत है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की जो ये वीडियो आज हम जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं, ये है जी ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं आज हम देखते हैं वो कौन सी ऐसी जगह हैं इंडियन कश्मीर में जिनकी ब्यूटी का एक अपना ही लेवल है। क्या बात है, चेक करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर लास्ट में कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मकबूजा कश्मीर के सहरंगेज मकाम। कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदगी में जन्नत देखनी हो तो कश्मीर चले जाए, लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई दहाइयों से जन्नत नज़ीर कश्मीर कश्मीरों के लिए जहन्नुम बना दिया गया है। यूं तो पूरा कश्मीर ही इंतहाई हसीन जमील और पुरकशिश मकामात का मालिक है, लेकिन भारत के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। मकबूजा कश्मीर में दर्जनों ऐसे सहर अंगेज मुकामात मौजूद हैं जिन्हें देखने वाला पलक झपकना तक भूल जाता है। आज हम आपको मकबूजा कश्मीर में वाक़े चंद कुदरती हुसन से मकामात के बारे में बताएंगे। श्रीनगर, मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर के दिलकश कुदरती नज़ारे हर किसी का दिल मोह लेते हैं। गुलमर्ग, गुलमर्ग को स्कीयर की जन्नत कहा जाए तो गलत ना होगा। मुलाहिजा सर्दियों में, लेकिन वो सर्दियों में होता है, लेकिन गर्मियों में वो पीछे सारा ग्रीन ही रहता है। सर्दियों का जो व्यू होता है ना उसकी झोपड़ी एक ब्यूटी। सोना मर्ग जिसे मेडो ऑफ सोनामर्ग कहा जाता है, मकबूजा कश्मीर का एक हसीन तरीन मुकाम है। चंद नज़ारे आपके पेशे खिदमत है। जिंदगी में एक दफा जरूर देखने की ख्वाहिश होती है। लेकिन लीहा लद्दाख, ये कब्ज़ा शानदार पहाड़ों और हसीन झीलों से भरपूर है, आप भी इसका नजारा कर लीजिए। करते हैं क्या सुना? ये एज लाइक हमजा हमारे पाकिस्तान का उस जैसा थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट है। कपवाड़ा की खूबसूरती को देखते हुए इसे कश्मीर का ताज करार दिया जा सकता है। यहाँ की हरियाली और शिफाफ पानी इसके हुस्न में चार चांद लगाते हैं। ये सीन चाहिए, यहाँ बेहतरीन कैंपिंग हो सकती है। कटोहा, कटोहा को सूफियों का शहर कहा जाता है, शहर है और इसी वजह से ये शहर तारीख से मोहब्बत रखने वालों के नजदीक इंतहाई अहम भी है। कैसे कैसे नाम होते हैं,
पहाड़ी इलाकों में जो है ना बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं कि जो पहले तो बस सुनता हूँ कहते हैं कि ये तो शहर है प्रॉपर, इसमें काफ़ी कारगिल वगैरह। कारगिल एक नाकाबिले फरामोश शहर है जहाँ के नाकाबिले यकीन कुदरती नज़ारे देखकर किसी जादुई दुनिया का ख्याल आता है। यहाँ पे भी ज्यादा पहाड़ खुश्की है, मकबूजा कश्मीर में वाकई पुलवामा रंगों का शहर है। इस शहर में चारों जानिब से रंग बिरंगे नज़ारे दिखाई देते हैं। ये नज़ारे आपके सामने है, ये देखिए। ऐसा वेदर होता तो एक बिल्कुल ही जगह पहचान में नहीं आती और इतनी उसकी ब्यूटी में इजाफा हो जाता है। पहलगाम, पहलगाम एक पहाड़ी इलाका है जो कि अपने सनूबर की दरख्तों की वजह से इंतहाई मशहूर है। ये कश्मीर का एक छोटा सा कस्बा है जो कि अपने नेशनल पार्क और खानकाहों की वजह से शोहरत रखता है, लेकिन बदकिस्मती से मकबूजा कश्मीर के बासी इस जन्नत में पुरअमन और पुरलुत्फ जिंदगी नहीं गुजार रहे, इस उम्मीद के साथ कि ये लोग इस जन्नत नज़ीर खत्ते में बहुत जल्द अमन देख सकेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह निगहबान। की जगह थी यार, ये वीडियो काफ़ी छोटी थी, मुख्तसर थी, ये थी आज की वीडियो। लेकिन यार जो जगह इन्होंने दिखाई हैं, सोना मर्ग, गुलमर्ग, फिर साथ में था लद्दाख था, प्रास हुश्क माउंटेन थे उसके, लेकिन जो उसका जो हुश्क अपना ये व्यू था वो हुंजा में ऐसे जाए ना हम लोग तो वहाँ पे ऐसा सीन होता है। कपवाड़ा बड़ी ज़बरदस्त जगह थी यार ये, इसका तो मैं कहता हूँ ये मुझे यकीन माने कि स्विट्ज़रलैंड से कम जगह नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही इधर ग्रीनरी, दरख्त और जो नज़ारा था इसका लेवल अलग था। और कटोहा तो एक शहर था जैसे हमारा एपटाबाद संभल या वो मानसरा जो इलाका है ना, ऐसा ही है ये भी कपवाड़ा, काफ़ी यहाँ पे आबादी है। पुलवामा फिर बड़ी खूबसूरत जगह थी, और पुलवामा और पहलगाम जो है ना वो हमारे जैसे आप चल जाए ना स्टोर वाली साइड में तो कुछ ऐसा इसका नज़ारा। हिम्स भी बड़ी प्यारी जगह है। ये थी जी आज की कश्मीर की ऐसी जगह जो कि कैमरे की आंख से थोड़ा से परे हैं, अगर तो मैं कहता हूँ अगर अपने जो है इसको टूरिज्म को प्रमोट करें इंडिया तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, और अरबों खरबों में कमाएंगे ये। सबको आने जाने की इधर उधर इजाज़त होनी चाहिए घूमने फिरने की, जिस तरह टूरिस्ट आते हैं इधर उधर, इस तरह हर कंट्री के लोगों के आने जाने का होना चाहिए सीन। तो बस हालात थोड़े बेहतर हों तो अगर ज़िंदगी ने चांस दिया तो मैं कश्मीर ज़रूर जाऊंगा इंडिया के। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। आपको इनमें से कौन सी जगह पसंद है, या अगर आप इन जगहों में से किसी एक जगह पर जा चुके हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, लास्ट में की जगह चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।